ग्वालियर में वाम दलों ने लगातार बढ़ती महंगाई और कोविड के दौरान रोजगार खो चुकी आम जनता की परेशानियों को लेकर हंगामा किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन में संभाग आयुक्त कार्यालय का घेराव किया गया और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी देने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण किसी तरह का उपद्रव रोक लिया गया। वहीं इससे पहले भी वाम दलों के द्वारा महंगाई को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। वाम दलों का कहना है कि जब तक सरकार महंगाई कम नहीं करती तब तक शहर में पदयात्रा और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार के द्वारा प्रायोजित इस महंगाई के खिलाफ आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के खिलाफ हमारी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन का कॉल किया है। हम लोग संभागीय कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन करने आए थे, यहाँ पर पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है और हमें जेल ले जा रही है। हमारा ये कहना है कि ये महंगाई जो है जानबूझ के बढ़ाई जा रही है। कोविड के समय में जब जनता इतनी परेशान है, करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए हैं, भुखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं लोग, ऐसे में महंगाई कैसे झेल पाएंगे लोग, ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। इसलिए पहले हम लोगों ने पदयात्रा निकाली ग्वालियर में, उसके बाद महंगाई विरोधी सम्मेलन किए और इसके बाद अंत में सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है तो अंत में महंगाई रोकने के लिए जो सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती थी कि हम जेल जाएंगे और हम जेल जा रहे हैं।